मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सांचौर दौरा और दौरे को लेकर तैयारियां भी पूरी हो चुकी है। वो पीडब्ल्यूडी डाक बंगले में महंगाई से राहत शिविर और प्रशासन शहरों के संग अभियान का भी जायजा लेंगे। पालिका चेयरमैन है, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। सर, आज सीएम साहब का सांचौर दौरा है, प्रशासन शहरों के संग अभियान और महंगाई राहत का जायजा भी लेंगे, किस तरह से तैयारियां की जा रही है? ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारा सांचौर जिला बनने के बाद में हमारे जननायक यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत साहब सांचौर की धरनीधरा पर पधार रहे हैं। तो मैं सबको इस सांचौर सत्यपुर की धरनीधरा पर श्री अशोक जी का स्वागत करता हूं। आज हमारे यहाँ रात कैंप का वो निरीक्षण करेंगे। यहाँ पर हम लोग लोगों को जो कार्ड बांट रहे हैं, लोगों को पट्टे दे रहे हैं करके कितनी लोगों को हमने यहाँ पर ज्वाइंट किए, लोगों की सुविधाओं के लिए जो मुख्यमंत्री की जो भावना है, एक हमारे जननायक की भावना है कि मेरे प्रदेश में कोई आदमी दुखी नहीं रह करके, इलाज के लिए भी कोई अपंग नहीं, अपनी जमीन नहीं बेचे, नहीं जेवरात नहीं बेचे, लोगों को कैसे इलाज मिले, लोगों को कैसे गैस का बाटला मिले, लोगों को किस तरह की और सुविधा मिले। जैसे पशुधन होता है, जैसे लंबी गाय थी उसमें 40,000 रुपये गाय का भी दे रहे, अगर आपकी गाय घर में चली गई और भी कुछ चली गई तो लास्ट में जो भी लाइट का था करके कि 100 यूनिट तक आप बिजली थी उसके ऊपर आएगा क्या करेंगे। तो मुख्यमंत्री जी ने अभी बहुत बड़ी घोषणा की परसों कि 100 यूनिट तो आपकी 100% फ्री है और 200 तक आएंगे तो आपको कोई शुल्क नहीं लगेगा। तो इससे बड़ी सुपलिति और क्या हो सकती है। और जो जननायक जी से पूरे राजस्थान में जितने विधायकों ने जो मांगा है वो दिया है, मुख्यमंत्री की एक ही धारा है, तुम मांगते जाओ थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा, यही नारा उन्होंने दिया है। आज हमारे सांचौर को सत्यपुर को इतनी मतलब सौगातें दी है, जो पिछले 70 साल में जो काम नहीं हुए वो सांचौर की धरनीधरा पे काम हुए, उन्होंने इतनी सौगातें दी है। और कुछ सौगातें हमारे बाकी है अपनी सीवरेज वाली, आज मैं उनसे निवेदन करूंगा अगर देंगे तो वो भी मेरे को आज लेना उनसे। सर, मुख्यमंत्री जी का सांचौर दौरा है, आज कितने लोग एकत्रित होंगे उनको सुनने के लिए जनसभा में? आज ये हजारों की संख्या में, ये लाखों लाख तक भी जा सकती है। लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह है करके अपने मुख्यमंत्री को मिलने का, मुख्यमंत्री जी को देखने का। ऐसे जननायक जी जिन्होंने सांचौर को एक जिला दिया, जो हम लोग कभी सोच ही नहीं सकते, साथ सब भवन में भी नहीं सोच सकते थे कि सांचौर हमारा जिला बनेगा, इससे बड़ी सौगात आपको क्या मिलेगी। तो हमारे प्रदेश सांचौर के जिले के सारे लोग बहुत खुश है, बहुत ही मतलब आनंदित है, बहुत उत्साहित है और ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग इधर पहुंच रहे हैं। किस तरह से मुख्यमंत्री जी का स्वागत सत्कार बहुमान किया जाएगा? मुख्यमंत्री जी का स्वागत पहले हमारे रात जो हमारे नगर पालिका द्वारा रात और शिविर कैंप चल रहा है करके, तो उसका दौरा करेंगे, उसके बाद में वहां पर जाएंगे पब्लिक मीटिंग में और वहां पर जाकर उनका स्वागत करेंगे, उनको मान सम्मान करेंगे, पलक पावड़े बिछाकर उनका स्वागत करेंगे। ये थे नरेश सेठ, नगर पालिका अध्यक्ष। इन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जी का सांचौर दौरा है, उसको लेकर प्रशासन शहरों के संग अभियान का भी वो जायजा लेंगे और उसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। ओम प्रकाश, सांचौर।